ये मेरा गांव और ये मैं, बाकी मोर भाचा चाचा भैया और इन मोर दीदी बहनी। नहीं भाई मैं छोट बहनिया नहीं। हाँ बावनगढ़ का व्यू, पावनगढ़ का भ्रमण, दिवाली और फिर यात्रा। आप सभी लोग बताएं कि बावनगढ़ कैसा? बावनगढ़ कबड्डी में बस सुने हैं, आज लाइव लाइव आपका दर्शन करा रहा हूं। बाकी तो कबड्डी में बावनगढ़ का नाम हम परचम लहराए हैं। माँ नर्मदा भी है यहाँ बाजू में, माँ नर्मदा बहती हुई कलकल धाराओं के साथ। आपको ये वीडियो SS ब्लॉग में देखने को मिलेगा, कल कल सुबह अपलोड हो जाएगा और आपको बावनगढ़ का दर्शन हो जाएगा। तो कृपया करके SS ब्लॉग को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि वो भी बावनगढ़ का दर्शन कर सकें। मटकी है ना, देखना कि हमारे तो क्वालिटी आई वाली जो है नहीं। बस शुद्ध चावल, शुद्ध दाल, इसमें भी कुछ नहीं डाला। नहीं नहीं कर रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चकली भी करता हूँ, पेशा रूप से चकली पे चकली। बाबा बाबा है कहाँ यार, कसम से मैं कल को गांस ले लिया हूँ। दुनिया रहा लेके चल रहे हैं। सही है, पावनगढ़ दर्शन के लिए अभी फिलहाल हम जरूर जा रहे हैं। मामा हैं, चाचा हैं, छोटू मेरे छोटे भाई, नाना जी और इधर मैं भी और चैन भाई भी साथ में हैं। और पावनगढ़ दर्शन के लिए जा रहे हैं, माई नर्मदा का दर्शन करके। और पावनगढ़ दर्शन करने के बाद हम पावनगढ़ की देवी देवताओं से मिलाएंगे आप लोगों को। हम ये व्यू देखिए पूरा बावनगढ़ का, ये पूरे बावनगढ़ का एरिया है, पूरी हरियालियों से हरा भरा हुआ। दीपावली बावनगढ़ के पर्वत चोटी पे हम लोग जा रहे हैं। हमारे पुरखा एवं जो हमारे कुल देवता, उसके आशीर्वाद लेने, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। अरे जो कबड्डी में बावनगढ़ नाम जान रहे हैं, उस इसी के नाम से हम लोग खेलते हैं। बावनगढ़ भरटोला के नाम से, यही स्थान के नाम से हम लोग कबड्डी भी खेलते हैं। तो आपने इस नाम को काफी सुना होगा, कबड्डी में चर्चित टीम बावनगढ़ भरटोला।
बार जयकारा लगाएंगे। बोलो त्रिकुट पूरा चित्र आप देख रहे हैं, ये बावनगढ़। बोलना चाहेंगे जय हो। जिस इसी के छत्र छाया में रहते हैं हम लोग, फिर भी आ नहीं पा रहे। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हम भूलते जा रहे हैं अपने पूर्वजों की धरोहरों को। जय हो। आपको ये हमारे देवताओं का इसका मतलब मैं आपको अगले ब्लॉग में जरूर बताऊंगा। तो आप कभी नहीं आए होंगे यहाँ, तो इस ब्लॉग के जरिए दर्शन कर सकते हैं। मैं भी कई बार आ चुका हूँ, पर कभी बहुत बहुत टाइम के बाद। दोस्त मित्र भाई छोटू दर्शन नाना जी भाई दर्शन करने ब्लैक पैंट में मेरे नाना जी। जो आप ये पूरा देख रहे हैं, ये बावनगढ़ की आशीर्वाद से ही पूरा बड़ा बड़ा खेत खलिया मैदान नर्मदा नदी बहती हुई कलकल धाराओं के साथ सजा के सुंदर आरती उतारा वो।
चले आवे मोरे मैया अंगना मामोर, चले आवे मोदाई अंगना मामोर। Thank you.